तेरा तौड़ी मारो पता लगे कि बिजली निकली है। खैर आप जो जीते रहिए। एक 90 साल के बाबे ने मैं पूछया, मैं क्या बाबा जी ये बंदियां दे सिर गंजे होंगे नहीं, बुढ़िया दे सिर क्यों नहीं गंजे होंगे? बाबे ने 2 घंटे सिर खुड़किया, जेड़े बाकी दे वाल भी सन वह भी गए। कहता पुत्र सीधी जी गल, एडिया बीवियां होंदिया ने बुढ़िया, उन्होंने बीवियां होंगे साड़िया तो बीवियां होंगे ने, वो ही सानू गंजा कर दिंदिया ने, तो उन्होंने तो बीवियां होंगे नहीं, तो उन्होंने गंजा कितों? इतने हसना भी तौड़िया भी मारनिया ने, नहीं तो मैं थले हाँ जरा तौड़िया मारो पता लगे कि जागो, जरा जागो, अंग्रेजी सुन सुन के पागल हो गए। जागो पाकिस्तान, ईद मुबारक। सब तो पहले शाजिया भुट्टो साहब का शुक्रिया, उसके बाद परवेज सिद्दीकी साहब और इरम हनीफ साहब, इन्हों का शुक्रिया जिन्होंने यह सारा माहौल पैदा किया, और बहुत अच्छे लोग ने मेरे वर्गे बंदे लाइक करते हैं, जबकि मैं घर के भी लाइक करते, सीधी सीधी गल है। लेकिन लेकिन तुसी लोग भी बड़े अच्छे हो जेडे आके बैठे हो, और बैठे ही हुए हो, मजा ले रहे हो, तो बड़ी अच्छी गल है। एक बंदे नु एक बोतल मिल गई, अच्छा बोतल दे विच एक उन्हें ढक्कन खोलिया तो जो जिन निकला, उन्हें जिन नु कहा कि यार मेरी गल सुन, मेरी बीवी बड़ा तंग करती है, उसके कोल मेरी जान छुड़ा ली। वो जिन जड़ा भज के फिर बोतल च वड़ गया। वो कहता जे मैं तेरी जान छुड़ा सकता हुआ तो मैं बोतल च रहा। तौड़ियां मारो हसो, कुड़िया के बगैर तो जिंदगी है ही नहीं। हूँ मैं कहना कि मेरी एक शादी है, जबकि मैं 50 साल काम किया फिल्मों च, फिल्मी दुनिया च, तो शादिया भट्टो साहब कहते ने वो बीवी भी ऐसी होएगी कि एक ही जिन्हें तेन नकेल पा के रखे, वरना बंदा कितने पा कर ला। एक तो ये कि वो जो जिन निकला था ये थे, और दूसरा जिनकी बीवियां हार्ड टाइम देती उनके बाल नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये बीवी को हार्ड टाइम देते बीवी नहीं। तो वाल तो मेरे उठन डे रहे, वो तो बड़े हो ही जा रहे, अमूमन कुड़ियों के वाल लम्बे हो ही जाते हैं, साढ़े घटी जाते हैं, तो वो जिन मैं ही सा, क्योंकि मैं की करता, मैं डर के बीच मर गया बोतल के, बोतल का मैं हूँ उठी होगी। ये इतना घर वालों को तंग करते थे, उन्होंने कहा बोतल के अंदर ही रहना, बाहर नहीं यार। बोतल के अंदर ही है, किसे किसे वाले मैं कर लेंगे नहीं दिते घेरा दे, क्या जब बाहर कोई दो चार गल कर ले। अच्छा हूँ मैं तुम्हें सच्चा वाक्य सुनावा, एक मेरी शादी का एक वाक्य है। जो तो मेरी शादी हुई है 40 साल पहले, 40 साल पहले मेरा विआह जो होया, तो उदो कुदरती बसंत का दिन सी, उदो बसंत बड़ी मनाई जाती सी, कोठे के उत्ते गुड़ियाँ उड़ रही हैं, मैं बसंत मना रहा, तो थल्ले मेरा मामा रौला पा रहा है। एक मामा होता बड़ा खतरनाक खानदानी, और थल्ले आ जा तेरा विआह है जाना है, मैं कही तुझी आप ही करा लो जाके, मैं नहीं जाना, और मैं पेचा लाया है। वो कहते नहीं जरा तेरा पेचा सी उत्थे लान चले हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? थले आ उत्थे पेचा लाई जाए, लो जी उत्थे चले गए। मेरा भतीजा सरपाल है, तो मैं बैठा नाल, पेंट कमीज पाई, चेहरा बनी है, वो सहरिया के घर के कोल एक पतंग कट के आ गया। तो मेरा भतीजा कहना चाचू पतंग, वो मैं सेहरा उन्होंने फड़ाया, चोट भी ला के उन्होंने फड़ाया, तो मैं पतंग लुट गई, पतंग तो मैं ले लुट। तो एक बंदा आया, उन्हें आके मैं ठा कर दी चपेट मार, वो साड़ी धी का विह हो, तू अभी पतंगा लुटनी हुई है? मैं क्या मेरी गल सुनो भाई, मेरे ना उल्टे
वो भाई तो निकल गया उधर तो बाकी रोटी भी नहीं मैं मिली उस दिन। उन्होंने कहा है तो लुटेरा है ये साड़ी कुड़ी लुटना है जबकि लुटी नहीं अजे तक रखी है मेरे नाल है मेरी जान है वो लेकिन लेकिन ये बात अगों की गल कर सकते पब्लिक पब्लिकली कैसे मना है। बात ये है कि लोग कहते हैं कि वो बुटी के थले लगा है तो मेरा वोटा भरा कहते बुटी के थले नहीं लगा होता बंदा एक प्यार होता मियाँ बीवी का एक दूजे की गल मननी तो जोड़ा शौहर गल मान लगा उन्होंने कहने के बुटी के थले लगा है भी कहना थले लगा है बुटी की जरूरत भी गल कर दे जल्द चाहो तुम सारे कर दो लेकिन नहीं वो कह के थले लगा है एवं लड़ाइया करा गई जे तो लड़ाइया लड़ाइया दफा कराओ। एक वाक्य और सुना के बस करा एक दफा इंग्लैंड एक फिल्म की शूटिंग कर रहे सन मैं तो नदीम साहब तो वो अस दोस्त बने तो उन्हें विलन होंगे ना सन गोली मैं मार के छुड़ी जाते तो नदीम साहब आ के इन्होंने मैं चुकना होंगे चुक के हिला के पूछना होंगे वो जिनी देर च कैमरा लगा नदीम साहब ने मैं चुकना सी तो एक एम्बूलेंस आई वही मैं चुके लगी गल मैं उठ के बह गया वो कहता डेड बॉडी मैं कहना वो जिंदा बॉडी भाई शूटिंग हो रही है मैं कह नदीम साहब एम ए इंग्लिश अगे आओ जिसे एफिज नस्के समझाओ उन्होंने समझाया खुश होया हो कि 30 सैकेंड के बीच 86 का वाक्य पुलिस इतने भी हाँ जी साढ़े मुल्क वाक्य भी हो जाएगा पता नहीं की कुछ हो जाएगा कई साल तरीखा भी पै जाएगियाँ मुकदमे का फैसला नहीं हो लेकिन फिर भी पाकिस्तान